सारा प्रणाम। सहारा समय के बड़ी बहस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनीता। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है और दिन भर महामंथन का दौर जारी रहा। अधिकारियों को ऑक्सीजन सप्लाई पर जरूरी निर्देश देने के बाद पीएम ने देश के 10 कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई की हर मुमकिन कोशिश जारी है और अस्पतालों की सुरक्षा का ख्याल रखना भी जरूरी है। पीएम ने जमाखोरों और कालाबाजारी के खिलाफ राज्यों को कार्रवाई करने को भी कहा है। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जोर शोर से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया। भारत में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,32,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 2,263 संक्रमितों की जान चली गई। बेकाबू कोरोना पर लगाम लगाने के लिए पीएम मोदी ने कई बैठकें की। अधिकारियों के साथ देश के मौजूदा हालात पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने कोरोना से प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक की। इन राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड शामिल हैं। पीएम ने कहा कि हर राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य के लिए जा रहे ऑक्सीजन टैंकर को न रोका जाए। उन्होंने राज्यों से अपील की है कि वो अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन ले जाने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति को गठित करें। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि केंद्र की ओर से ऑक्सीजन आवंटित हो तो उस तुरंत उसका वितरण किया जाए। और बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की देश भर में एक समान कीमत की भी मांग की। केजरीवाल ने हरियाणा, यूपी पर दिल्ली के लिए ऑक्सीजन सप्लाई को बाधित करने का आरोप लगाया, साथ ही सभी ऑक्सीजन प्लांट्स पर सेना तैनात करने की मांग की। आपको बता दें, सीएम केजरीवाल ने जो मुद्दे उठाए उस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र अपने पास वैक्सीन नहीं रखता और सभी खुराकें राज्यों को दी जाती हैं। जहां तक ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करने की बात है तो ये काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। रेलवे ऑक्सीजन की आवाजाही के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है। तो प्रधानमंत्री ने जो राज्य सबसे ज़्यादा संक्रमण से प्रभावित हैं उन राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और वहाँ पर जो स्थिति है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। साथ ही उन्होंने साफ ये कहा है कि अधिकार राज्यों को दिए गए हैं और राज्यों को ही सुनिश्चित करना होगा कि जो इस वक्त ज़रूरी है राज्य के लिए वो राज्य सरकार व्यवस्था करे, खास करके ऑक्सीजन को लेके, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत तमाम राज्यों में है और अब ऑक्सीजन को लेकर के चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने राज्यों का जो कोटा ऑक्सीजन सप्लाई का है उसे बढ़ा दिया। बावजूद इसके आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राज्यों को देखना होगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक अगर ऑक्सीजन भेजा जा रहा है तो उसे रोका ना जाए, जो कालाबाजारी है वो भी रोकी जाए। ये सारी व्यवस्था देखनी होगी राज्य सरकारों को, क्योंकि उन्हें अधिकार पहले ही दिए गए हैं तमाम संक्रमण की स्थिति जो है उसे रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको बता दें, जिस तरह से वैक्सीन के लिए एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था चल रही थी, उसी तरह अब ऑक्सीजन को भी एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था चल रही है। ये प्रक्रिया केंद्र सरकार की तरफ से जारी है। साथ ही साथ अब रेलवे ने भी एक स्पेशल ट्रेन चला दी है ऑक्सीजन को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए, क्योंकि यातायात की जो व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है, वहां दिक्कतें आ रही थी, उसे सुचारू करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि कोरोना का संक्रमण भारत में अब विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। जी हाँ, भारत पहले नंबर पर आ चुका है सभी देशों को पछाड़ करके। और ये चिंता नहीं, महाचिंतन और महामंथन का समय है कि आखिर चूक कहाँ हो गई, हम पिछड़ कैसे गए। हम तो उदाहरण पेश कर रहे थे पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा करके, और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा।
तो आखिर वजहें क्या हैं इस तरह की मारामारी के, इस महामारी के समय में हाहाकार के पीछे की वजह क्या है और इसे रोका कैसे जा सकता है? लोग डरे हुए हैं, उनके डर को कम करना भी जरूरी है। आखिर ये सब संभव कैसे है, आज बड़ी बहस में इसी पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। अश्विनी शाही जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ेंगे, आपका स्वागत है। अजय अरोड़ा जी कांग्रेस नेता हैं और साथ ही साथ डॉक्टर नरेश चावला हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं डीएमसी के, बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी, सबसे पहले आपसे जाना चाहूंगी, तमाम व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है व्यवस्था ऑक्सीजन को भी लेकर की जा रही है, लेकिन जो हालात हैं, जो हाहाकार है बीजेपी की तरफ से, किस तरह की प्रतिक्रिया, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, देश इस समय बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर रहा है। इसमें कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया देने का कोई न समय है और न ये जो है मांग है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है तो जवाबदेही भी भारतीय जनता पार्टी की बनती है और जिसको लेकर केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बहुत ही युद्ध स्तर पर जो भी तैयारी हो सकती है, यथासंभव जिसको कहते हैं, वो कार्यवाही करने के लिए कृत संकल्प है और कर रहे हैं। आज इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी की बैठक जो है, आज दूसरी बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के साथ, उसमें जो जहां पर कमी है, जो ज्यादा है, जो कमी है जहां पर कुछ ज्यादा है वहां पर कमी वालों को पहुंचाया जाने का आज एक निर्णय हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ये हम एक संघीय व्यवस्था में कहीं ना कहीं हम बहुत मजबूत भी हैं। जैसे उड़ीसा के पास इस समय व्यवस्थाओं में कई स्टील प्लांट हैं, हम ऑक्सीजन की समस्या से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। उड़ीसा झारखंड में जो प्लांट है उन प्लांटों से अब दूसरे प्रदेशों को जोड़ दिया गया, उड़ीसा से जैसे जोड़ा गया है दिल्ली को, झारखंड से जोड़ दिया गया उत्तर प्रदेश को, रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर से, एयरफोर्स ने एयरलिफ्ट करके देना शुरू किया है और मैं देख रहा हूं जो ये भगीरथ प्रयास हो रहा है इसमें हम 2 से 3 दिन के अंदर ये जो भयावह समस्या ऑक्सीजन की है इस पर हम नियंत्रण पा लेंगे। क्योंकि एक छोटा सा आंकड़ा मैं देना चाहूंगा आपको, जब हम पिछले साल की कोरोना वेव नहीं आई थी तो 700 मीट्रिक टन का उत्पादन हिंदुस्तान में होता था जो कि ऑक्सीजन अस्पतालों को और सबको सप्लाई होता था। अचानक जब पिछले साल कोरोना की बाढ़ आई, पहला वेव आया, तो हमको 2800 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ी, हमने उसको भी पूरा किया। लेकिन इस बार जो ये वेव आई है इसको आईआईटी ने भी, कानपुर आईआईटी के लोगों ने भी ये असेस नहीं किया था कि 1.5 से 2 लाख पहुंचेगा, लेकिन ये पहुंच गया, आज 3,33,000 आज आंकड़े आपने भी बताए हैं। तो अब अचानक हम लोगों के पास 7 से 8 हजार टन मीट्रिक टन की जरूरत पड़ी है और उतना उत्पादन है देश में। मैं ये बताना चाहूंगा कि कहीं पैनिक ना हो, हां ये है कि पहुंचने में कहीं से देरी हो सकती है, उत्पाद प्रोडक्शन हमारा है, अब जाकर धीरे धीरे, जैसे देखिए दिल्ली में अस्पतालों में गैस नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, कई पेशेंट की दिक्कत हुई है, कई जगह पूरे देश में दिक्कत हुई है। तो अब उस जगह पर जहां पर 4 घंटे की गैस थी वहां पर तुरंत फरीदाबाद से दिल्ली में आज गैस पहुंचाई गई है और पुलिस की जिप्सी ने उनको स्कॉर्ट करके पहुंचाया है, किसी बैरियर पर नहीं रोका गया, किसी कल होम मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से कल जो है चिट्ठी सर्कुलर जारी हो गया था, किसी बैरियर पर, किसी बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा और स्कॉर्ट करके उनको पहुंचाया जाएगा। जो एम्बुलेंस को जो सुविधा दी गई है वो व्यवस्था जो है अब हम ऑक्सीजन के टैंकरों के साथ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए बोकारो से एक ट्रेन गई, वो आज चली है, वहां से 1 घंटे पहले भी चली है और कल हम उत्तर प्रदेश की गैस की भी किल्लत काफी हद तक कम हो जाएगी। चूंकि अभी हम मोदी नगर में हम गैस बना भी रहे हैं, अभी देखिए यहां पर होता क्या है, किसी, चाहे मैं निवेदन करना चाहूंगा विरोधी दल हो या कोई भी हो, पैनिक ना फैलाएं, क्योंकि पैनिक से आम जन हो क्या रहा है, सिलेंडर लोग ले जाकर, जिसको बीमारी नहीं है वो भी घरों में ले जाकर सिलेंडर को रख ले रहा है, जिसकी वजह से ये किल्लत और ज्यादा बढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरी बढ़ी है, जी अश्विनी जी
आपने कहा क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है इसीलिए जवाबदेही बनती है, इसीलिए आप जवाब दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये समझना होगा कि आपने जो अब कोशिशें की हैं वो आम जनता तक 2 से 3 दिनों में पहुंच जाएगी, जैसा कि आप आश्वासन दे रहे हैं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं। ये स्थिति पहले तो नहीं आई थी, पैनिक होने के पीछे की भी तो कई वजह हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। रुक करेंगे अजय जी का। अजय जी, जवाबदेही बनती है इसलिए अश्विनी जी ने जवाब दिया, आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आम जनता इन जवाबों से संतुष्ट हो जाएगी? अश्विनी जी की बात का मेरे मित्र हैं अश्विनी जी, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि जवाबदेही केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती भी है नीता जी। जब नवंबर दिसंबर 2020 में दोबारा घंटी बजी कोरोना की, हम नहीं चेते। अगर हम चेत जाते तो ये व्यवस्था नहीं होती। और जहां तक ऑक्सीजन की बात पे राजनीति हो रही है, 1920 में 4500 मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट होता था और 2020-21 में 9300 मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट हुआ, दुगना किया। हालांकि भारत में आवश्यकता थी, और मैं बता दूं दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादक है, एक बात। दूसरी, अब डिबेट में हम कहे जी हम ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैनिक नहीं। मैं बड़ी शालीनता से शायरी से कहता हूँ, आपके डिबेट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अनीता जी के माध्यम से, डॉक्टर साहब के माध्यम से, कि शाही जी मुझे आज मेरे परिजनों के लिए, मेरे मित्रों के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे अस्पताल में जगह चाहिए, मुझे रेमडेसिविर चाहिए। अगर आप दिलवा देंगे तो डिबेट सक्सेस हो जाएगी, हम किसी के काम आ जाएंगे। और कुछ जाने आप, हम चारों मिलकर, अनीता, हम, अश्विनी जी, डॉक्टर साहब मिलकर बचा लेंगे। अगर अश्विनी शाही जी मुझे दिलवा दें तो मैं, उन लोगों के नंबर मेरे पास हैं, मैंने बिल्कुल मोबाइल में फीड कर रखे हैं, जो बेचारे अस्पतालों में भटक रहे हैं, तो उनको हम इस डिबेट के माध्यम से। और डिबेट में कोई राजनीति नहीं, कोई मैं बुराई नहीं कर रहा, मैंने एक बार भी नहीं बोला कि प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव में लगे हुए हैं या पंचायत चुनाव, ना मैंने कुंभ की बात की, क्योंकि ये बातें बहुत हो चुकी। बिल्कुल अजय जी, पब्लिक को इससे मतलब नहीं। आज का जो मुद्दा है, आज की जो बड़ी बहस है, वो तमाम राजनीति से परे हटाकर है। हम बात सिर्फ करेंगे जो सड़क पर हाहाकार मचा है उसकी बात करेंगे, क्योंकि लोग अब सड़कों पर है, सड़कों पर, क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं है और अस्पताल के अंदर भी लोग तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। यानी जो तैयारी पहले की जानी चाहिए थी वो तैयारी शायद नहीं हुई, और यही चिंतन मंथन करने का वक्त है कि चूक कहां रह गई और उसे तुरंत कैसे पूरा किया जाए। रुक करेंगे, हमारे साथ हैं अजय जी, उनके साथ तो हम चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर नरेश चावला से भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर नरेश, सबसे ज्यादा भयावह स्थिति अस्पतालों में है, ये कहा जा रहा है कि आम जनता डर रही है और यही वजह है कि पैनिक होकर अस्पताल में पहुंच रही है। लेकिन 1 महीने पहले ये तस्वीर नहीं थी, अचानक से पैनिक होने के पीछे की वजह है, वो क्या वजह है? क्या वाकई में महामारी है या फिर डर? नीता जी, ये एक पब्लिक, नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, हम इसको स्वीकार करें, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिकेशन हमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया में लेट दिसंबर में आ गए थे कि सेकेंड वेव आने वाली है, और दुख की बात यह है ये वेव फरवरी के मिड में शुरू भी हो गई थी, लेकिन जो हाहाकार मचा है वो पिछले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का है। हमने पहला लाख केस क्रॉस किया 6 अप्रैल को, दूसरा लाख क्रॉस किया उसके 9 दिन बाद, तीसरा लाख क्रॉस किया उसके 6 दिन बाद, और चौथा लाख क्रॉस हो जाएगा मैक्सिमम 2 डेज में। ये स्थिति है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कुछ नहीं हुआ है। आज भी पूरा हिंदुस्तान नेशनल इसका प्लेटफॉर्म है, स्टेट्स के प्लेटफॉर्म है, उनके टास्क फोर्स हैं, उनके कंटिंजेंसी प्लान्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लिविंग अपार्ट देयर पॉलिटिक्स, सारी एनजीओज, पूरे कोरोना वॉरियर्स, 3.5 लाख डॉक्टर्स ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स इंक्लूडिंग पुलिस, म्युनिसिपैलिटी, अगर आज भी फैसला कर दें कि हमें कोरोना को खत्म करना है तो कोरोना खत्म हो जाएगा। आपके चैनल के थ्रू 4 बातें समझानी जरूरी हैं। नंबर 1, द बिगेस्ट वैक्सीन एंड बिगेस्ट ट्रीटमेंट इज ओनली 1, दैट इज कोरोना
एप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोरोना नॉर्म्स को फॉलो करना, घर से बाहर ना निकलना, मास्क का इस्तेमाल करना, जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स और रिलीजियस गैदरिंग हो चुकी तो हो चुकी, अब कोई गैदरिंग अलाउ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 2 गज की दूरी या सोशल या हैंड वॉशिंग या सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। इसके बाद एक मैसेज मैं आप जनता को आपके चैनल के थ्रू देना पसंद करूंगा, 90% कोरोना या COVID-19 अपने आप ठीक होता है। इट इज ओनली 10% विच रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। आपके डॉक्टर के टच में रहिएगा, बहुत कम केसेस को रेमडेसिविर बिल्कुल भी एक वंडर ड्रग नहीं है, उसकी जो कमी देखी गई है वो सब नकली है, वो गलत थी। हाँ, ऑक्सीजन एक हथियार है, उसके लिए आर नेशन इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो बहुत जरूरी है। मैं उसके बावजूद भी कहूंगा सब मिलके एक ही कोशिश करें, थोड़ा मैस हिस्टेरिया या पैनिकिनेस ना फैले। आप कहेंगे पैनिकिनेस क्यों फैलती है, फैलती इसलिए है कि हर मरीज को डर लगता है कहीं मेरा मरने का नंबर ना आए। तो मैं स्पष्ट कहूंगा बी इन टच विद योर फैमिली डॉक्टर, उससे गाइड होइएगा। जो बीमारी के पहले 5-6 दिन बड़े ऐसे होते हैं कुछ भी नहीं है, उसके बाद थोड़ी बीमारी बढ़ती है। जो लोग 60+ हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो जवान लोग हैं 25, 30, 35, 40, 47, वो अगर अपने डॉक्टर के टच में हैं तो खाली होम आइसोलेशन या होम ट्रीटमेंट से काम चल सकता है। अगर हम इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे और सब मिलके ये मैसेज लोगों को हेल्थ एजुकेट करेंगे, ये मैसेज मेरा बहुत ही गहरा मैसेज है जो मैस हिस्ट्री है। मैं हिंदुस्तान में खुद एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेरे पेशेंट्स अभी भी वेटिंग है, लेकिन थोड़ा सा एक पैनिकनेस ज्यादा है। तो आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी कि आप अपने डॉक्टर में टच रहेंगे, जो ना हो कि जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो जबरदस्ती आईसीयू का बेड भी ले रहा है, आपके घर में ऑक्सीजन ले रहा है, वो दूसरे लोगों के कमी पैदा कर रहा है, ये सरासर एंटी सोशल है और गलत है। तो मेरे विचार में सब लोग, अगर इफ ओनली योर डॉक्टर इज एबल डॉक्टर एंड ही इज एबल टू गाइड यू, तो मेरे हिसाब से हम अगले 5-7 दिन में जो आगे बढ़ता हुआ ट्रेंड है कोरोना केसेस का, इसको हम रिवर्स कर पाएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है, लास्ट ईयर भी हम कर पाए थे जब पहला वेव आया था, अब भी हम करेंगे, थोड़ी समय की बात है, ये अच्छा हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास भी है, वो हम सबकी कोशिश भी होगी। बिल्कुल डॉक्टर नरेश, जो अभी आपने कहा दरअसल यही सबसे ज्यादा संदेश देना जरूरी है। ये जो आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास कहीं डगमगा ना जाए इस दहशत के बीच में, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी भी हम हालात को संभाल सकते हैं, अभी भी कोरोना को हरा सकते हैं, तो यकीन मानिए हम हरा ही सकते हैं। थोड़ी सी तैयारियों की जरूरत है और उन तैयारियों में सभी को राजनीति से अलग हट करके एकजुट होना पड़ेगा। अश्विनी जी, आपने भी यही बात कही थी, लेकिन इन बातों के साथ साथ एक और बात है, एक और सवाल है। जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, लगातार आम जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी थी, जो कुछ भी वो बोलते थे बहुत ध्यान से सुनती थी और सिर माथे लेती थी, वाहवाही भी पूरी दुनिया में हुई। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है कि आक्रोश आम जनता का बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, उसके पीछे की वजह। देखिए, बहुत सही कहा आपने। पहले मैं डॉक्टर साहब की, अजय जी की बातों को मैं सुन नहीं पाया अब ठीक से, उनकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब की बातों को सुना मैंने। डॉक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से माना कि पैनिक की स्थिति है, लोग जिसको जरूरत नहीं है वो डर के मारे जाकर बेड को ले रहा है, तो इस वजह से जो जरूरतमंद है उसको बेड नहीं मिल पा रहा है। इस टाइप की और भी चीजें हैं, ऑक्सीजन में भी है, रेमडेसिविर में भी है। जी, आपको रोक रही हूं। अश्विनी जी, डॉक्टर नरेश ने जो कुछ भी कहा है हम उस पर जरूर आगे चर्चा करेंगे कि लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखिए व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो हर घर में, मेरे आपके या सभी के घर में कहीं ना कहीं, चाहे वो दूर के रिश्तेदार हो पास के रिश्तेदार हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्टेड है ही। तो इसे समझना मुश्किल नहीं है कि लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं। मुद्दा जो ये है कि आखिर कहाँ चूक रह गई, सवाल ये है, उसका जवाब चाहिए। मैं आपके बातों में आ रहा हूं, आप रीता जी मेरी बात को पूरा होने दीजिए, आपको आपका जवाब मिलेगा, हमसे पूरा मिलेगा, लेकिन पूरा सुनेंगे तब मिलेगा। तो मैं डॉक्टर साहब की बातों को कह रहा था कि पैनिक हो रहा है,
पैनिक लोग कर रहे हैं और पैनिक क्यों कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है, हमारे भी घर में मरीज हो सकता है। और आज मैं बड़े दुख से कहता हूं कि हमारे तीन सुबह सो के उठा हूं और सोशल मीडिया पर हमारे तीन जानने वालों के डेथ की खबर आई है, तो मुझे भी उतना ही कष्ट है। जो तीन ये मरे हैं या जो 2000 रोज मर रहे हैं, सबके साथ हमारी संवेदना है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि हिम्मत से काम लेकर ही हम कोरोना को भगा सकते हैं। कोरोना में इतनी नेगेटिविटी फैल गई है समाज में कि लोग नेगेटिव होने की वजह से डॉक्टर साहब बता पाएंगे कि कई लोग तो हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। कोरोना से कम लोग मर गए, आर्गन फेल्योर से मर जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कमी कहां रह गई है। आपकी आपका सवाल था, आपका जोर था। देखिए पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन लगाया, मार्च का महीना था, हम पूरे देशवासियों ने उसको बहुत तहे दिल से लिया, पूरे विश्व ने उसकी सराहना की कि हिंदुस्तान ने समय रहते लॉकडाउन लगाया और उस पर प्रभावी रूप से कोरोना पर काबू पा लिया। लेकिन हमारे अब राजनीतिक इसमें चूंकि अपने आप जुड़ जाता है कि राजनीतिक लोगों ने, जिसमें अजय जी कांग्रेस के नेता हैं, इनके एक ज्योतिषाचार्य हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा बहुत गलत किया, बिना मतलब के लॉकडाउन लगाया, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उस समय लॉकडाउन की आवश्यकता थी और उसके वजह से हम कोरोना पर विजय पाए। तो क्या अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है? मैं बता रहा हूँ अश्विनी जी, क्या अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है? सवाल यही है मेरा आम जनता का कि तब लॉकडाउन की जरूरत थी तो क्या अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं है? या फिर आज आम जनता को ये कह दिया गया है कि आप अपने भरोसे हैं? अनीता जी आप धैर्य रखेंगी तब जनता के तक हमारी बात पहुंच पाएगी। आपके सवाल का जवाब तभी पहुंचेगा जब आप थोड़ा धैर्य रखेंगी। आज क्या हुआ, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो भी चीजें हैं मैक्सिमम पूरे प्रदेशों को, क्योंकि कई प्रदेशों से कई तरह की आवाज आ रही थी, राजनीतिक चीजें होनी शुरू हो जाती हैं तो प्रदेशों की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। लेकिन आज चूक हुई है कि प्रदेशों ने, चाहे मैं किसी प्रदेश का नाम नहीं लूंगा, प्रदेशों ने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं किया है और जिसमें आज ये चूक सामने आई है। यानी आप सीधा सीधा आरोप राज्य सरकारों पर डाल रहे हैं। अश्विनी जी आपका जो जवाब है वो बिल्कुल जिम्मेदाराना नहीं नजर आ रहा, क्योंकि सीधा सीधा आरोप आप राज्य सरकारों पर डाल रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि राज्य सरकारें तो बीजेपी की भी हैं, वहां की स्थिति भी भयावह है, तो ये सोचना होगा कि क्या बीजेपी की जो राज्य सरकार है उन्होंने भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बहुत सारे सवाल हैं, अगर आप जवाब देंगे तो जवाबदेही के साथ देना पड़ेगा, नहीं तो एक जवाब से कई सवाल उठेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं अजय जी का। अजय जी, जिस तरह से अश्विनी जी बोल रहे हैं कि क्योंकि राज्य सरकारों को अधिकार दे दिए गए थे, राज्य सरकारों ने कुछ नहीं किया, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और यही वजह है कि आज इतनी भयानक स्थिति है। लेकिन आम जनता जो पहले लॉकडाउन में सब कुछ मानती रही, तब तो हजारों में केस थे, सैकड़ों से हजारों हुए थे और तब लॉकडाउन था। आज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं हम और रिकॉर्ड बना रहे हैं कोरोना में, ऐसे में आम जनता क्या भरोसा करे? भरोसे लायक बात कहीं से नहीं हो रही है, क्योंकि अस्पतालों में जाने की जगह नहीं है, लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, साफ तौर पर कह दिया गया है, तो क्या जनता क्या करे, अपने भरोसे बैठी रहे? अनीता जी, शुरुआत में अश्विनी शाही जी ने बात की थी और हम सब ने साधुवाद दिया था, इन्होंने ये कहा था कि जवाबदेही केंद्र सरकार की है। अब आके राज्य में आगे क्योंकि राजनीति आ गई, हमें तो राजनीति नहीं करनी आज, हमें तो इतना बता दें कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, बेड कहाँ मिलेगा और शमशान घाट में नंबर कितने बजे आएगा। शमशान घाट और कब्रिस्तान में पांव रखने की जगह नहीं है, लोग लाशें सड़कों पे जला रहे हैं, लकड़ी खत्म हो गई है, लकड़ी लाशों के लिए लकड़ी नहीं है। और जब मैं सारा समय लगाता हूँ ना अनीता जी, जब आप ब्रेकिंग लाइन दिखाती हैं आंखें नम होती हैं, दिल में दर्द होता है, इतनी सस्ती होगी मौत, इतनी सस्ती होगी मौत क्या? और हाई कोर्ट ने क्या बोला है? हाई कोर्ट ने बोला है केंद्र सरकार को कि आप भारत की आवाम के लिए, भारत की जनता के लिए ऑक्सीजन बेड नहीं से भी प्रोवाइड कीजिए और इस आपदा से मुकाबला कीजिए। तो क्या न्यायालय भी गलत है? हमें हर एक की बात माननी है, हमें आज राजनीति नहीं करनी, ना मैं बुराई करूं बीजेपी। लेकिन अजय जी, कांग्रेस की भी राज्य सरकारें हैं,
जो भी बोलना होगा जिम्मेदारी के साथ बोलना होगा। वहां की स्थिति क्या है, छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में तो आप कुछ बता ही सकते हैं। हमेशा से वहां दूसरे नंबर पर संक्रमण बढ़ता रहा, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा अगर संक्रमण था तो छत्तीसगढ़ में था, और वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। समझ में तो तब आया जब मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल अनीता जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कान आंख सब बंद करके नवंबर दिसंबर में बैठे रहे, जैसे डॉक्टर चावला ने बताया कि बाहर के देशों में घंटी दस्तक हो चुकी थी कोरोना की। बिल्कुल अजय जी, कान नाक बंद करके बैठे रहे तो क्या कांग्रेस हाहाकार मचा रही थी, शोर उठा रही थी? विपक्ष दमदार होना चाहिए तो दमदार भूमिका निभा रही थी। क्यों पांच राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने अपने आप को, अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को झोंका तो कांग्रेस ने भी वही काम किया? आखिर क्यों नहीं ये जवाब दिया, क्यों नहीं ये सवाल उठाया गया कि चुनाव इस वक्त जरूरी नहीं है, जिंदगी जरूरी है? बहुत सारे सवाल तो उठेंगे ही बहुत जल्दी में डॉक्टर नरेश, क्योंकि लोगों में डर है, दहशत है, उसको कम करने के उपाय जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स बता सकते हैं, जो आम जनता सुनना चाहती है, राजनीति नहीं सुनना चाहती, आम जनता सिर्फ सुनना चाहती कि उन्हें क्या करना है, घर पे रहें तो क्या करें। अमिता जी, सच्चाई यह है कि जो जमीनी सच्चाई है वो कहती है कि वी परहैप्स डिड नॉट एंटीसिपेट द एक्सटेंट ऑफ द सेकंड वेव। और सच्चाई है कि हमें पता था, हम भी मेडिकल पीपल ऑलवेज न्यू कि सेकंड वेव पावरफुल होगी। वो इसलिए पावरफुल नहीं होगी कि हम वो वेव पावरफुल है, नो डाउट द वायरस इज 1.5 times मोर इन्फेक्शियस। वो ज्यादा इसलिए पावरफुल हो गई कि पिछली बार समाव लॉकडाउन से हमारी तैयारियां थोड़ी बेहतर हो गई थी, वो हमने अपने आप को वायरस का और इंसान का कॉन्टैक्ट नहीं होने दिया था। इस बार लोगों ने कोरोना जो नॉर्म से जो कोरोना प्रोटोकॉल था वो फॉलो नहीं किया है, और इसकी वजह से एक ही नुकसान हुआ है कि अब लोगों की छातियां, लोगों की सांसें तैयार बैठी हैं। अभी तो बुरा नहीं हुआ है, अभी तो व्हाट वी फियर इज कि 10-20-30-40% और ज्यादा हो सकते हैं। तो आज भी जरूरत एक ही बात की है, एक दूसरे के दोषी उंगलियां ना खींची जाएं। सिर्फ वी शुड बी ए कंटेंजेंसी प्लान जिसमें सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए। वी शुड ट्राई हार्ड। हर देश का, हर स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का कंटेंजेंसी प्लान हो जिसको आवर्ली बेसिस पे, डेली बेसिस पे मॉनिटर किया जाए। जहां कहीं कमी है एक दूसरे के साथ स्टेट्स कॉपरेट करें, डिस्ट्रिक्ट कॉपरेट करें, पॉलिटिकल पार्टीज कॉपरेट करें, जैसा कि एनजीओज जितनी बार बहुत ज्यादा आई थी। यानी सभी को एकजुट होना पड़ेगा, स्वयं सेवी संस्थाएं हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, एक दूसरे पर उंगली उठाने का वक्त बहुत पहले बीत चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना प्रोटोकॉल का जिस तरह से पालन करना था ना वो किया गया और ना ही वो करवाया गया। तो आरोप सिर्फ आम जनता पर लगाने से कुछ नहीं होगा। अभी आम जनता जो सड़क पर खड़ी है या कहें कि पड़ी है, उसे उठाना होगा, विश्वास दिलाना होगा, ये आत्मविश्वास जगाना होगा। वक्त है, हम हराएंगे, इस कोरोना को भी हराएंगे। लेकिन अगर एक बार वायरस दुनिया में आ गया तो वो ख़त्म नहीं होता, ये भी समझना होगा। वो अपने रूप बदलेगा, हमें नई चुनौतियों का सामना करना है नई तैयारी के साथ, और ये आत्मविश्वास जगाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सभी को एकजुट होना भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया कहेंगे। आपका अश्विनी जी शुक्रिया, साथ ही अजय जी आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर नरेश आपने तमाम अहम जानकारी आम जनता को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी बहस का मुद्दा था, तमाम राजनीति से परे आम जनता के लिए आखिर किस तरह के प्रयास होने चाहिए कि वो अपने भीतर के डर को ख़त्म करे, क्योंकि ये डर अगर होता है तो ज़िंदगी बहुत छोटी हो जाती है, और अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो बड़ी बड़ी मुसीबतें भी बहुत छोटी नज़र आती हैं। इसीलिए ज़रूरी यह है कि अपने भीतर के डर को ख़त्म करें, आत्मविश्वास जगाएं, और तमाम जो नियम हैं, अनुशासन है, उनका भी पालन करें और खुश रहें। इसके साथ ही इस खास पेशकश में इतना ही, फिलहाल दीजिए इजाज़त, सहारा प्रणाम।